बनने लगे हैं लड्डू, जिनके लिए हमें मुख्तलिफ मेवाजात चाहिए होंगे। तो ये किशमिश है, पिस्ता, बादाम, काजू, और ये है फूल मखाना, और ये है खशखश और इलायची, तिल, गुड़, और ये है अलसी, और ये है गोंद कतीरा। जोड़ों में कहीं भी दर्द हो या हड्डियों में दर्द हो, ये इनके लिए गोंद कतीरा बहुत बेहतरीन है। और इसी तरह मसल्स वगैरह की कमज़ोरी के लिए और ताकत के लिए ये अलसी। ये थोड़ा सा आटा, आप चाहें तो सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है सौंठ, जो बिल्कुल दो चुटकी डालेंगे। नारियल डलेगा इसमें, मतलब ये, और थोड़ा सा घी यूज़ करेंगे। इन सब चीज़ों को पहले मैं थोड़ा थोड़ा सा घी में फ्राई कर लूँगी। तो उसके बाद इसी तरह चाशनी चढ़ाकर गुड़ की वो शामिल करूँगी। हल्की आंच पर बादाम तमाम लोगों को एक दफ़ा थोड़ा थोड़ा सा भून लेंगे। ये मेरे बादाम हो गए, तो बारी बारी में तमाम इन मेवों को कर लूँगी। बस थोड़ा सा ही करना है, हमें बिल्कुल हल्की आंच रखनी है। बादाम के बाद काजू की बारी आ जाएगी। बिल्कुल हल्की आंच पर गोंद कतीरे को हल्का सा घी डालकर, थोड़ा सा घी डालकर बिल्कुल आंच हल्की कर देंगे, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना वो जल जाएगी। ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। इसे हमने पकाना है और थोड़ा डालना है, क्योंकि ये फूल कर अपना जगह ले लेगी। थोड़ा साथ सारी निकल ली। ये है फूल मखाना, इसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है, प्रोटीन होती है। अब अलसी हो जाएगी। के बाद मैं कोकोनट कर लूँगी और किशमिश। फिर उसके बाद एक चम्मच मैंने बेसन लिया है, इसको भी थोड़ा सा भूनूंगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी होती है। फिर आटा शामिल करके उसे भूनूंगी, घी में थोड़ा सा एक चम्मच घी डालकर फिर उसको भूनूंगी। उसके बाद चाशनी तैयार करेंगे। इन सबको मैंने पीस लिया है, और ये मेरा आटा और किशमिश ये मिक्स हो रहे हैं। और पंचीरी की सूरत में तैयार हो गया। आप चाहें तो ये इसको ठंडा होने पर ना किसी जार में बंद करके रख लें, ऐसे ही पंजीरी के तौर पर भी ये यूज़ हो सकती है। दो चम्मच लिए और फिर ऊपर से गर्म दूध पी लिया। और अगर लड्डू बनाएंगे तो इसमें हम मज़ीद ये आटा या सूजी को साथ शामिल कर लेंगे, और चाशनी तैयार करके चीनी की या फिर गुड़ की, गुड़ की बेहतर है। तो ये सब कुछ, ये पंजीरी और ये आटा मिक्स करके तो लड्डू तैयार कर लेंगे। पानी डालकर गुड़ के छोटे छोटे पीसेस करके तो चाशनी तैयार करने रख रही हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे गुड़ को, बस थोड़ा सा, वरना हमारा जो लड्डू है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। चाशनी हमारी तैयार है, अब ये बंद कर दूंगी और इसे शामिल करेंगे। अब मैं चाशनी इसमें मिक्स करने लगी हूँ, और फिर मैं जल्दी जल्दी से मिक्स करके, ताकि ये लड्डू तैयार हैं। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है सर्दियों में, जो जोड़ों और पट्ठों में दर्द होता है उसके लिए बहुत अच्छे हैं, नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छे हैं, जिन लोगों के सर में। अब मैं चाशनी इसमें मिक्स करने लगी हूँ, और फिर मैं जल्दी जल्दी से मिक्स करके, ताकि ये